हेलो एवरीवन, मैं हूं वरुण। आप देख रहे हैं वर्णवस्थी आर्ट। सो आज है पार्ट वन सिद्धू मूसेवाला ड्राइंग ट्यूटोरियल का। सो ये है सिद्धू मूसेवाला जी की पक। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस पक को कैसे ड्रॉ करना है स्टेप बाय स्टेप। ये है पार्ट वन, और भी पार्ट्स के लिए वेट करिएगा। सो या अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो या वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं देने वाला हूँ फर्स्ट लेयर HB पेंसिल का यूज़ करके। एंड आप लोग म्यूज़िक को एंजॉय करो, मैं इसकी फर्स्ट लेयर देता हूँ। सो गाइस, आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है, आप कोई भी एरिया ड्रॉ कर रहे हो आपको लेयर वाइज शेडिंग करनी है, क्योंकि लेयर वाइज शेडिंग करने से क्या होता है आपका वो चीज़ बहुत ही रियलिस्टिक लगती है। इसलिए मैं सबसे पहले एक लाइट लेयर दे रहा हूँ HB पेंसिल से। चलिए इसे देते हैं। आप देख सकते हैं रेफरेंस पिक में, ध्यान से अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो एक साइड पूरी ही ब्लैक है, सिर्फ एक आपको यहाँ पे छोटी सी हाईलाइट दिखेगी साइड में। तो इससे करने के लिए हमें काफ़ी डार्क पड़ना पड़ेगा, बट लेयर वाइज हम लोग शेडिंग करेंगे। सबसे पहले इस लेयर को हम लोग ब्लेंड कर लेते हैं। तो चलिए हम इसे ब्लेंड करते हैं। सो मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करने वाला हूं इसे ब्लेंड करने के लिए। एंड आप लोग म्यूज़िक एंजॉय करिए, मैं इसे ब्लेंड कर। मैंने फर्स्ट लेयर यानी कि HB पेंसिल से जितना भी शेड किया था उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया, बट फिर भी स्ट्रोक्स दिख रहे हैं। सेकंड लेयर में यूज़ करने वाला हूँ 4B पेंसिल। एंड आप रेफरेंस में देख सकते हैं पूरा ब्लैक है, हमें पूरा ब्लैक करना पड़ेगा, बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ मैं एक स्टेप का यूज़ करने वाला हूँ। पहले मैं 4B के ऊपर मैं 10B तक जाऊँगा, देन उसके बाद इसे बहुत ही स्मूथ करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ चारकोल पाउडर। सो जल्दी से हम इसमें सेकेंड लेयर अप्लाई करते हैं 4B पेंसिल की। आप म्यूज़िक का एंजॉय करिए। सो गाइज, मैंने 4B से इसमें पूरा का पूरा शेड कर दिया। अब मैं इसके ऊपर करूँगा एक अच्छा सा स्मूथ ब्लेंड, देन उसके बाद मैं इस पर 10B से एक लास्ट लेयर को अप्लाई करने वाला हूँ। देन उसके बाद मैं उसके ऊपर चारकोल का एक लेयर डालूंगा जिससे काफ़ी स्मूथ लगेगी एंड फैब्रिक लुक आने वाला है। तो चलिए इसे जल्दी से ब्लेंड करते हैं। सो गाइस, रेफरेंस के हिसाब से अभी मेरा जो पग है वो इतना डार्क नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी से 4B पेंसिल का ही अप्लाई किया है। अब मैं इसमें देने वाला हूँ 8B पेंसिल से एक लास्ट लेयर, एंड उसके बाद मैं इसमें दूंगा चारकोल पाउडर से एक स्मूथ सा एक टेक्सचर देने वाला हूँ जिससे ये काफ़ी फैब्रिक लुक में आएगा। सो चलिए हम इसके ऊपर 8B पेंसिल का एक लास्ट लेयर अप्लाई कर देते हैं। गैस, मैंने इसमें 8B का भी एक लेयर दे दी है, काफ़ी डार्क सी। अब इसे हम लोग जल्दी से ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंडिंग में मैं यूज़ करने वाला हूँ एक मेकअप ब्रश का और एक ब्लेंडिंग स्टम्प का। सो जल्दी से इसे हम लोग ब्लेंड कर लेते हैं। सो गैस, मैंने 8B की लेयर भी यहाँ पे अप्लाई करके उसे ब्लेंड भी कर दिया, बट फिर भी यहाँ पे स्ट्रोक्स दिख रहे होंगे। अब मैं इसमें डालने वाला हूँ चारकोल पाउडर। एंड चारकोल पाउडर बनाना काफ़ी ईजी है, इसमें मैं वीडियो डाल दूंगा एक दो दिनों में। सिर्फ एक चारकोल स्टिक को हमें पीसना होता है अच्छे से, एंड चारकोल पाउडर आपका रेडी हो जाएगा। सो जल्दी से हम लोग इसको यहाँ पे पूरा पग में स्प्रेड कर देते हैं जिससे ये काफ़ी स्मूथ पग लगने वाली है। मैं ब्रश का यूज़ करके चारकोल को पग पे अप्लाई करने वाला हूँ। मैंने इसे डार्क कर दिया है, एंड अब मैं इसके ऊपर फिर से 8B और 10B से और भी लेयर्स दूंगा जिससे ये थोड़ा रियलिस्टिक भी लगे। सो चलिए हम लोग इसे भी करते हैं। सो आप लोग रेफरेंस में देख सकते हो इस साइड के पूरे पग में सिर्फ एक ही हाईलाइट जो काफ़ी वाइट है, उसे मैं यहाँ पे देने वाला हूँ डॉम स्टिक ग्रूव इरेजर का यूज़ करके। ये 20 रुपये में आ जाती है एंड काफ़ी अच्छी भी होती है। सो इसी का यूज़ करके मैं यहाँ पर हाईलाइट दूँ। गाइज, ये डॉम्स की जो ग्रूव इरेजर है काफ़ी सही होती है अप्सरा की मैक्नो इरेजर से, क्योंकि इसके साथ आपको 3 रिफिल्स मिलती हैं, अप्सरा में 2 ही रिफिल्स मिलती हैं। सो यहाँ पे मैं डॉम्स की ग्रूव इरेजर का ही यूज़ करके हाईलाइट्स दे रहा हूँ। एंड मैंने थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगा दिया था, आप लोग प्रेशर काफ़ी कम लगाइएगा। एंड जहाँ पे हाईलाइट्स वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगा के अगर आप पेंसिल को रगड़ते हो तो हाईलाइट्स देने में काफ़ी दिक्कत होगी, जैसे मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है।
बट यहाँ मैं फिर भी हाइलाइट्स को दे रहा हूँ थोड़ा सा प्रेशर लगा के इरेजर में हाइलाइट्स देने के बाद। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ एक 6B पेंसिल का, क्योंकि मेरे पास टॉम्बो मोनो की 0-0 नहीं थी जिससे मैं काफ़ी फाइन हाइलाइट्स दे पाऊँ। सो इसे फाइन बनाने के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ। जहाँ जहाँ पे डार्क है वहाँ वहाँ पे मैं इसे डार्क कर दूंगा रेफरेंस के हिसाब से। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में है वहाँ पे काफ़ी डार्क एक दिया गया जिससे आपकी जो पग है वो साइड से ऊपर की साइड उठी हुई लगे। तो यहीं पे मैं अच्छे से अपनी पेंसिल से फाइन फाइन बनाने वाला हूँ अपनी हाइलाइट्स को। आपको हमेशा अपनी रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर आपके पास इतने टूल्स नहीं है फिर भी आप एक अच्छा स्केच बना सकते हो अगर आप अपनी रेफरेंस को ऑब्जर्व कर रहे हो। जैसे मैं यहाँ पे अपनी रेफरेंस को ऑब्जर्व करके हाइलाइट्स मोती होने के बावजूद मैं अच्छे से इसे 6B पेंसिल का यूज़ करके हाइलाइट्स को फाइन फाइन बना रहा हूँ। एंड अब मैं गाइस इन्हें ब्लेंड करने वाला हूँ। जितना मैंने 6B से यहाँ पे जितना भी शेड किया है उसमें ब्लेंड करूँगा जिससे वो भी अच्छे से दिखे, स्मूथ सा दिखने वाला है। सो इसे ब्लेंड करने के बाद हमारा एक साइड कंप्लीट हो जाएगा पग का। सो मैंने सारी की सारी हाइलाइट्स दे दी हैं एक साइड में, जितना भी था हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया। अब मैं पग का दूसरा साइड करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फोल्ड्स आपको दिखेंगे रेफरेंस इमेज में, तो फोल्ड्स की भी मैंने आउटलाइन बना ली थी। तो फोल्ड्स को हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि फैब्रिक तभी असली लगता है जब आप अपने फोल्ड्स को अच्छे से ड्रॉ करो। सो गाइज आपको फर्स्ट लेयर देनी है 2B पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हो साइड में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है, एक साइड पे पूरा वाइट है क्योंकि इस फोटो में एक साइड से काफ़ी सारी लाइट पड़ रही थी, इसलिए यहाँ पे एक साइड आपका पूरा वाइट होगा। तो रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करके यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हम लोग शेड करते हैं। सो गाइस आपको कोई भी आप फैब्रिक बना रहे हो, चाहे वो पग हो चाहे वो टी शर्ट हो कुछ भी हो, आपको फोल्ड्स को ध्यान में रखना है। जैसे मैं यहाँ पे इस साइड के पग में काफ़ी फोल्ड्स दिख रहे हैं एंड फोल्ड्स के नीचे काफ़ी सारे डेप्थ है, काफ़ी डार्क हैं एंड बट फोल्ड्स के अलावा और सारी चीज़ें सारी की सारी लाइट हैं। तो मैं फोल्ड्स पे ज़्यादा फोकस करते हुए फोल्ड्स को ना भूलूँ इसलिए रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एंड आप देख सकते हैं ये साइड का जो फोल्ड है वो पूरा डार्क है एंड नीचे साइड भी काफ़ी सारे डार्क फोल्ड्स है बट नीचे पूरा और सब लाइट है फोल्ड्स के अलावा। मैं अच्छे से 4B पेंसिल का यूज़ करके मैंने सारे फोल्ड्स को डार्क कर दिया है। अब मैं लास्ट जितना भी मैं शेड कर रहा हूँ वो सारा शेड मैं कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूँगा। इसे ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ये मेकअप ब्रश एंड मेकअप ब्रश से मैं इसे पूरा अच्छे से ब्लेंड कर दूंगा एंड जितने भी हाइलाइट्स के एरिया हैं उन्हें थोड़ा सा ब्लेंड करूंगा, पूरा वाइट नहीं छोड़ूंगा। चलिए इसे अच्छे से ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने का टाइम जो होता है वो मेरा फेवरेट पार्ट होता है ब्लेंड, क्योंकि मुझे ब्लेंड करने में काफ़ी सेटिस्फिकेशन मिलती है एंड मुझे लगता है हर एक आर्टिस्ट को अच्छा लगता है ब्लेंड करना क्योंकि काफ़ी बढ़िया लगता है आपका वो रफ सा दिखने वाला स्केच ब्लेंड होके अच्छा दिखने लगता है। सो कैसा लग रहा है आपको ट्यूटोरियल एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में बहुत सारे सजेशंस दीजिए कि मैं नेक्स्ट किसको ड्रॉ करूं, क्योंकि आप लोग के सजेशंस ही मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये सिद्धू मूसेवाला सर की ड्राइंग का भी मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके डिमांड किया कि बनाना है एंड मेरे काफ़ी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बोला तब मैं इसे बना रहा हूँ। ऐसे ही आप लोग मुझे इंस्टा हैंडल पर मैसेज कर सकते हो, आपको साइड में मेरा इंस्टा हैंडल दिख रहा होगा, जाओ और फॉलो करो और मुझे मैसेज करो, DM करो और बताओ मैं नेक्स्ट किसका स्केच बनाऊँ। तो अगर आप रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व करो और अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो फोल्ड्स काफ़ी डार्क है एंड साइड का एरिया काफ़ी लाइट है। तो फोल्ड्स को आप जब भी ब्लेंड करो काफ़ी छोटे एरियाज में तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ किया करो एंड जितने भी फोल्ड्स हैं उन्हें और भी डार्क करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फैबर कैसल की 6B पेंसिल। मैंने 6B पेंसिल का यूज़ करके सारे फोल्ड्स को भी कर दिया है डार्क एंड इसको मैं ब्लेंड करने के लिए गाइज यूज़ करने वाला हूँ फिर से ब्लेंडिंग स्टम्प, क्योंकि ये काफ़ी पतली जगह है एंड इसे मैं ब्लेंड करूँगा और उसके बाद सारे हाइलाइट्स देते हैं। सो गाइज अब है पार्ट हाइलाइट्स देने का एंड हाइलाइट देने के टाइम पे आपको एक बात याद रखनी है,
अपना जहाँ पे भी आप हाईलाइट दे रहे हो 5 मिनट देके अपनी रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, क्योंकि हाईलाइट्स ही आपकी जो स्केच है उसे रियलिस्टिक बनाती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं। सो डॉम्स की ग्रूव इरेजर का यूज़ करके मैं जितने भी फोल्ड्स के आसपास हाईलाइट्स हैं, जितने भी आपके हाईलाइट्स हैं, उन्हें मैं डॉम्स की ग्रूव इरेजर का यूज़ करके यहाँ पे दे रहा हूँ। एंड आप देख सकते हो हमारी पग भी अच्छी लगने लगी है अब। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड आप लोग बना के मुझे इंस्टाग्राम में टैग कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।